Subscribe and press the bell icon for latest update. मंदसौर में एक निजी स्कूल की बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बस में लगभग 40 बच्चे सवार थे जो स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। ऐसे में बस में से धुआं निकलता देख अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में बच्चों को बस से उतारा गया। बच्चे बस में घबराने लगे, वह तो गनीमत रही कि तुरंत CSP राकेश मोहन शुक्ल और वहां आसपास मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। सुनिए क्या कहना है इस मामले में CSP राकेश मोहन शुक्ला का। अचानक आग लग गई थी और बड़ा मामला जो सामने आया है लापरवाही का, क्या लगता है आपको कि इतनी हिदायत के बावजूद में भी जो है बस ऑपरेटर्स जो है वो अभी तक जो है कानून का पालन करने को तैयार नहीं? ये बात सही है आपकी कि बस ड्राइवरों को और ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। हालांकि अभी हमने जो उसको कागजात चेक किए हैं तो उसके पास फिटनेस और प्रदूषण का प्रमाण पत्र है, लेकिन जो अन्य कमियाँ हैं उसमें हम उसका चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि वो वर्दी पे नहीं है और उसके पास ठीक से फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्या घटना, क्या शिकायत किस तरीके की मिली थी सर बस? नहीं, अभी शिकायत तो कुछ नहीं, आगे वायरिंग में मतलब वायरिंग में कहीं से आग पकड़ी है, और लेकिन लोग बाग यहाँ पर जागरूक हैं, उन्होंने फटाफट बच्चों को उतार लिया है। कोई भी हानि या किसी को बच्चे को चोट नहीं आई है सर। बच्चों को समुचित जगह पहुंचा दिया गया। सर बस जो अंदर से देखने में कहीं ना कहीं बिल्कुल अव्यवस्थित लग रहे हैं, खटारा टाइप लग रहे हैं, तो क्या लगता है सर इस तरीके से बेधड़क तरीके? उसके लिए एक एजेंसी है जो फिटनेस प्रमाण पत्र देती है और उसके पास विधिवत फिटनेस प्रमाण पत्र है। जो कमियाँ हैं उसके कानून मोटर व्हीकल एक्ट के कानून के तहत उसमें हम उसकी चालानी कार्रवाई करेंगे, और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी है। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही 4,500 रुपये एक स्कूल बस को जुर्माना किया है। हम जो भी इनकी बच्चों की बसें ले जाती हैं उसके प्रति संवेदनशील अपना रुख अपनाते हुए उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। सर शहर के कौन से स्कूल की बस होना पाएगी? सेंट थॉमस स्कूल की बस है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।